कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो हम भी एकदम वेल एंड गुड हैं। सो आज का ब्लॉग मैं बहुत जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर आ रहे हैं डोली, तो बस अभी दिखाएंगे आपको। अभी बस ज़्यादा टाइम नहीं है, बस हमने फटाफट से किया ये और बस आ ही गई है। दिया वगैरह भी हमने बाल दिया है और अभी लेके जाएंगे। मैं फटाफट से चाय बना रही हूँ और हमारे घर कैसे आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर में। बताऊंगी थोड़ी देर में नहीं, बाद में ही बताऊंगी। तो अभी मैं दिखाऊंगी, बस आ गए हैं मम्मी और पापा, गए हैं लेने के लिए। कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो हम भी एकदम वेल एंड गुड है। सो मेरे पीछे का व्यू एकदम से चेंज हो गया ना। सो कल तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, बस उतना ही बनाया था जितने हमारे घर पे डोली आई थी। एक्चुअली उन भैया लोगों को हम मतलब मैं पहले से जानती हूँ, तो बस मैंने ऐसे थोड़ा घर पे बुला लिया था, तो वो भी मतलब रेडी हो गए थे आने के लिए। बस थोड़ा वही एक दो घंटे बैठे रहे, मतलब थोड़ा बातचीत करी, थोड़ा बहुत डोली भी नाची, तो उसके बाद ना वो चले गए थे जहाँ पे मतलब आ रखे हैं आजकल। और आज है 22 जनवरी, तो आप सभी को पता होगा कि आज है राम मंदिर का उद्घाटन। आज राम मंदिर का उद्घाटन है, तो आज हमारे गांव में भी मंदिर का उद्घाटन है। कितनी अच्छी बात है ना। तो मतलब हम तो ऐसे समझ रहे हैं कि हम ना अयोध्या पहुंच गए। तो बस अभी जस्ट हम अभी आए हैं गांव में और क्या कहते हैं टीका वगैरह लग गया है हमारे पे। और अभी दिखाती हूँ मैं एक छोटा सा मंदिर। और ये रहा मंदिर, ये जस्ट रोड के बगल में ही है। ये मंदिर पहले कई मतलब थोड़ा दूर था, तो वहाँ पे रोड की वजह से इसको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ा। और यहाँ पे है सारे गांव वाले, छोटा सा तो हमारा गांव है। यहाँ ऊपर सब नीचे आ रखे हैं और अभी स्टार्ट होगी पूजा वगैरह, हवन वगैरह स्टार्ट होगा। और ये यहाँ पे दो बच्चे किसके हैं। अभी स्टार्ट हो गया है हवन और अक्षु को देखो दादा की गोद से नीचे नहीं आ रहा है। तो अभी हम सब यहाँ पे बैठेंगे। पयामि अग्नि देवताभ्यो नमो नमः। सो अभी हो गया है हवन वगैरह, अभी पूजा भी पूरी हो गई है। और यहाँ पे जितने भी सारे खड़े हो रखे हैं, कोई मेरी सास लगती है तो कोई मेरी जेठानी लगती है। वैसे ज़्यादातर जेठानी ही लगती है यहाँ पे, सास तो बहुत कम है। अदरवाइज इतने जवान जवान को मैं बुढ़ा थोड़ी ना बनाऊँगी सास बोल के, है ना। तो मम्मी ने बोला फिर इन सबकी भी वीडियो बनाऊँ, तो बस मैं इन सबकी वीडियो बनाने लग गई। उसके बाद मैं और दीदी गए ऊपर, मतलब मेरी जिठानी, और फिर हम सब ने मिलकर यहाँ पे पूरी बनाई सबके लिए। और बातों बातों में ना पूरी तो बहुत ज़्यादा बन गई थी सच में। बलुला गुदु बनुली तेरु माटू माटू ही डोनो ये बलुला गुदु बनुली तेरु माटू माटू ही डोनो ये बलुला गुदु हिटुनो एनी हेरु पैठ हरे कुनो परे कुनो बलुला गुदु बलुला गुदु खड़ा
और यहाँ पे बच्चा पार्टी लोगों के लिए खाना लगाया जा रहा है, और ये बच्चा पार्टी का एक ग्रुप है, इन सब ने जानबूझ के साथ में खाना खाया। और गाइस ये देखो आप, कितनी बड़ी लौकी है, ये रखी है बीज के लिए। इतनी बड़ी लौकी, 5 किलो की लौकी लग रही मुझे। सो ये अभी हम ऊपर आए थे तो अभी जा रही हूँ बस, और ये मैंने ले लिया है साथ में प्रसाद। अक्षु को देखो यहाँ पे, अक्षु यहाँ से ना उठने का नाम नहीं ले रहा है, बोल रहा है कि मैं यही बैठूंगा, और बड़े दादा के साथ बैठ गया यहाँ पे। अक्षु अक्षु चलना नहीं है। सो अभी हमने खा लिया है खाना वगैरह भी, और खाना तो बना हुआ ही था, बस हमने थोड़ा थोड़ा पूरी बनाई सबके लिए, और प्रसाद भी मिल गया मुझे। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा खाड़ी, खाड़ी वाला से मिलने के लिए। खाना नहीं खाया आपने? झूठ बोल रहा। सो गाइस अभी हम आ गए हैं खाड़ी, और ये देखो हमारी मोहतरमा चाय बना रही है, और मुझे पीनी है ईशु के हाथ की चाय। तो ये देखो कर्ची से भी यहाँ पे चाय बनती है, ऐसी बात नहीं है। सो अभी मैं दिखाऊंगी आपको बिट्टू के वे थे बच्चे, और बिट्टू तो आप सबको पता ही होगा कौन है बिट्टू, तो दिखाते हैं अभी आपको बिट्टू के बच्चे। अक्षु देखो बस, अक्षु को तो ना मिट्टी से ही प्यार है। अभी देखना कैसे, किस किस को बच्चे चाहिए। ये देखो बिट्टू के हैं 4 बच्चे। और 2 ये है, और ये कितना डेंजर लग रहा है। अच्छा यार दिखा, चश्मे फ्री में दे रखी है, इसको चश्मे फ्री में मिले हुए। रुक तो जरा इधर, इसको देखो इसके चश्मे फ्री में मिले हुए। यूका पर गए यार न्यू। और ये देखो मम्मी की बीन्स, अभी मम्मी ने क्या लगाए बीन, ये देखो उस टाइम मम्मी ने आलू लगाए थे, तो आलू हमारे बहुत सारे हो गए, तो अभी मम्मी ने बीन्स लगा लिए हैं। और ये है बिट्टू, और नदी तो पूरी सूख गई है। बाय। और फिर हम निकल गए थे खाड़ी से, और जैसे ही हम खाड़ी से निकले, मतलब नयन नगर से जैसे ही हम नीचे हुए, इतना ज़्यादा कोहरा, मतलब आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, यह आप देख सकते हो मतलब, और इतना ठंडा हो गया था उसके बाद अचानक से ही, अदरवाइज वैसे तो धूप थी।